तो मेरा प्रदेश लाइव आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दीपाली। उत्तराखंड विधानसभा में गुरुवार को होने वाले बहुमत परीक्षण टल गया है और 6 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। अब एकल पीठ के फैसले के बाद केंद्र सरकार और कांग्रेस ने डबल बेंच में अपील की थी और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने एकल पीठ के आदेश पर 7 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। आपको ये भी बता दें कि 29 तारीख को नैनीताल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 31 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया था, लेकिन उनके वोट को अलग रखने की बात कही गई थी। वहीं कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया के लिए ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया था। तय किया है कि ये मामला अगले हफ्ते 6 तारीख को सुनी जाएगी और जो सिंगल जज का ऑर्डर है वो 7 तारीख तक होल्ड पे हो गया है। जहां तक भारत सरकार की बात है, भारत सरकार अपना काउंटर इस पिटिशन पर सोमवार तक देगा, दूसरी साइड पिटिशनर का जवाब मंगल तक आएगा, बुधवार को इसकी सुनवाई होगी। तो शक्ति परीक्षण पर डबल बेंच के फैसले के बाद हरीश रावत ने कहा है कि ये फैसला राज्य के पक्ष में है और उनके स्टैंड के पक्ष में भी है। हरीश रावत ने कहा कि जिनकी सदस्यता खत्म की गई है वो लोग कोर्ट में पेश हुए, स्टे करने की प्रार्थना की, लेकिन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। उस पर पहली तारीख को सुनवाई तय है। ये दोनों फैसलों को हम शुभ मानते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। उधर कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा है कि अदालत के फैसले से बीजेपी को चोट पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों की जो राय बनती जा रही है वो ये है कि राष्ट्रपति शासन लगाने में जल्दबाजी की गई है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था। मैं इस फैसले को अपने राज्य के भी पक्ष में मानता हूं और मैं जो हमारी सोच, हमारी जो स्टैंड है उसके भी पक्ष में है। जिनकी सदस्यता समाप्त की गई है, जब वो लोग माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश हुए, उन्होंने स्टे करने की प्रार्थना की, तो माननीय कोर्ट ने उनकी प्रार्थना को स्टे करने से इनकार कर दिया और उस पर भी उन्होंने 1 तारीख को सुनवाई निर्धारित कर दी है। तो हम ये दोनों डेवलपमेंट्स को जो है बड़ा शुभ मानते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमको नैनीताल से, अपने सम्मानित हाईकोर्ट से पूरा न्याय मिलेगा। और ये न्याय हमको नहीं मिलना है, ये न्याय उत्तराखंड की जनता को मिलना है। चोट पहुंची है तो भाजपा वालों को पहुंची, तो शासन लगा दिया राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने रख दिया और आज कोर्ट इस चीज का फैसला करेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है वो सही है कि गलत। और आज जो लोगों की राय बनती जा रही है वो यही है कि इन्होंने जल्दबाजी में किया, इनको कभी करना नहीं चाहिए था 24 घंटे पहले। इनको जो फ्लोर टेस्ट की बात राज्यपाल ने लिखित में दी थी वो फ्लोर टेस्ट होना चाहिए था। तो ये सब चीजें बैकग्राउंड में हैं और हमें पूरा विश्वास है, यकीन है कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच अपनी जो भी आदेश देंगे हमें मानना होगा। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। अंबिका जी, आपको बहुत पॉलिटिकल अनुभव है, पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ जो कानूनी दाब पे जो कि अब लड़ाई आई है, तो इसको आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, ऊंट तो जो तरीका है ये गलत उदाहरण दे रहे हैं। कानून सदा इंसाफ और सच्चाई का साथ देता है, ये मेरा मानना है और भारत में हम सब की आस्था अपनी जुडिशियल प्रोसेस में बरकरार है। मैंने सिंगल मेंबर नैनीताल के हाईकोर्ट सिंगल मेंबर जज के आदेश का स्वागत हम लोगों ने किया था। आज डिविजनल बेंच ने एक कंसेंसस की जजमेंट दी है हमारी राय लेकर, हम उसका स्वागत करते हैं क्योंकि वो ही हमारी बेसिक डिमांड थी कि प्रेसिडेंट रूल जो उत्तराखंड में लगाया गया है वो गलत है, वो सत्ता का दुरुपयोग है और केंद्र में बैठे नेता उत्तराखंड के लोगों
उनकी मत की कदर नहीं करते, उनके जज्बात और उनकी आकांक्षाओं की कोई कीमत नहीं रखते, तो दिल्ली से थोपना चाहते हैं। मैम जिस तरीके से आपने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुक्त अभियान के चलते वो अब आपकी जो जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहां पर वो अपना गेम खेल रही है, लेकिन बीजेपी ने ये कहा है कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभल रहा है, यानी कि जो लोग नाराज हैं आप उन लोगों को मैनेज नहीं कर पाती हैं, राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी से मिलने का उनको समय नहीं मिल पाता है, तो लोग अपनी बात रखे तो रखे कहां। अच्छा, तो ये अब भाजपा की जिम्मेवारी हो गई है कि कांग्रेस अपना घर संभाले? वो हमारी मदद करना चाहते हैं? हम लोग सक्षम हैं अपनी पार्टी को संभाल कर रखने में। हमने इस देश में हमारी एग्जिस्टेंस 130 साल से कांग्रेस जिंदा है भारतवर्ष में। सर, आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे लड़ी थी। मैं आज पूछूं भाजपा कहाँ थी? मैं उत्तराखंड के छोटे सूबा है उसकी बात करती हूँ। मुझे मालूम है कि 1-1.5 साल में आप कोश्यारी जी को भी मुख्यमंत्री बनाए, आप निशंक जी को भी बनाए, आप जनरल खंडूरी जी को भी बनाए, एक चौथे का नाम मैं भूल गई हूँ उसको भी बनाए। आप बताएं ये क्या एकता का सबूत था? एकता का सबूत था? अपना घर संभालें, सत्ता में है। जिस तरह से प्रधान राष्ट्रपति का शासन लगाया इन्होंने, इनको नहीं लगाना चाहिए था, आज इनको मुंह की खानी पड़ रही है। बीजेपी के बड़े नेता थे वो उत्तराखंड क्राइसिस में लगातार अपने लोगों के साथ रहे, लेकिन हरीश रावत जी अलग थलग पड़े रहे। आप लोगों ने उनको मिलने भी नहीं बुलाया, ना विधायकों से आपने बात की, उनका मोराल आप लोगों ने बूस्टअप नहीं किया। किशोर ने यहाँ का मोर्चा संभाला, पार्टी से लोगों को, उन लोगों को निकाला जो पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। हरीश रावत बराबर मीडिया के सामने आकर कहते रहे कैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने उत्तराखंड के साथ एक धोखा किया है, इनके विधायक ने। अब आप आ गई है, सबको मना लिया आपने। एक विधायक ने घोड़े की टांग तोड़ी और हरीश रावत ने कहा ये केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का उत्तराखंड की टांगे तोड़ने की कोशिश। अब आप आ गए हैं, अब अगली रणनीति क्या होगी? सबको मना लिया गया है, बागी विधायकों को मनाने की आवश्यक, बागी विधायक तो उनकी तो अभी सदस्यता खत्म हुई है, पहले वो केस अपना लड़ लें फिर बात करेंगे उनकी। मगर हमारे जो विधायक हैं एकजुट मजबूत और हौसले बुलंद है। चलिए, अंबिका जी के आने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से लबरेज दिख रही है और अंबिका सोनी का साफ ये कहना है कि जो बागी विधायक है उनकी भूमिका अभी तय नहीं है, लेकिन जो फिलहाल कांग्रेस के पास विधायक है वो पूरी तरह से मजबूत है। उत्तराखंड से कैमरामैन राजेश चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। तो नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के बाद बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर न्यायपालिका में भी लड़ेगी और सदन में भी लड़ेगी। जाजू ने कहा कि बीजेपी कानून का सम्मान करती है और वो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति बिल्कुल चौसर की तरह हो गई है, शह मात का खेल चल रहा है। देवभूमि के रूप में जाने जाने वाले उत्तराखंड को बदनाम करने का काम यहाँ के मुख्यमंत्री ने और जिस प्रकार की प्रस्तुति विधानसभा के अध्यक्ष ने दी है उससे हुआ है। उत्तराखंड पूरा देश में चर्चित आज तक कभी इस प्रकार से नहीं रहा। उस उत्तराखंड के सम्मान के लिए, न्यायतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ने का संकल्प लिया है। वो न्यायपालिका में भी हम लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे और जनता के द्वारा रास्ते पर भी लड़ेंगे। फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो उसके बाद किस तरह की कानूनी प्रक्रियाएं हैं जो जटिल हो गई हैं और अब आप लोगों की अगला स्टैंड क्या होगा? कानूनी प्रक्रिया के लिए अगला कानूनी प्रक्रिया से जो भी बाहर निकलेगा उसका हम इंतजार करेंगे। सवाल आज जो उन्होंने कोर्ट से राहत दी है, 18 तारीख को भी हम तैयार थे फ्लोर टेस्ट के लिए। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग उत्तराखंड में जिस प्रकार से हादसे हो रहे थे उससे चिंतित थे। अल्पमत वाली सरकार बहुमत में कन्वर्ट करने के लिए कांग्रेस के लोग कौन से हथकंडे अपनाते हैं वो वीडियो स्टिंग के माध्यम से पूरे देश ने देखा है, उत्तराखंड ने देखा है। उत्तराखंड के शांत स्वभाव के नेचर को यह सूट नहीं करता। उत्तराखंड के DNA में इस प्रकार के स्टिंग की राजनीति नहीं है, वो भी उनका पर्दाफाश हो गया है। अब आने वाले दिनों में न्यायपालिका उत्तराखंड का सम्मान कायम रखेगी ऐसी हमें उम्मीद है। हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं। कांग्रेस के जो बागी विधायक हैं आप लोग के साथ हैं अभी भी क्या? कांग्रेस के बागी विधायक हमारे साथ है और भी ज्यादा कुछ विधायक हमारे साथ। तो अभी भी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो कह रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है और तमाम तरह की जो केंद्रीय एजेंसियां उनका बीजेपी प्रयोग यहां पर कर रही है।
हरीश रावत जी ने जिस बेशर्मी से उस टिंग में वो प्रस्तुत हुए हैं और पूरे देश को उनका चेहरा दिखा है, उनको एक मिनट भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। इसके पहले भी जब एक वोट से हमारी सरकार गिरी थी तब अटल जी ने एक मिसाल पेश की थी, मनोहर पर्रिकर जी ने गोवा में मिसाल पेश की थी। जिस दिन माइनॉरिटी सरकार अपना बजट पारित नहीं कर सकती उसी दिन उनको सत्ता से हट जाना चाहिए था। उधर बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हरीश रावत और गोविंद सिंह कुंजवाल पर हमला किया है। उन्होंने कहा सारे देश में उत्तराखंड की छवि खराब हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के पास 36 विधायक हैं, कुछ और विधायक बीजेपी को साथ दे सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अब ये फैसला कोर्ट का आया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड की राजनीति में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा लिए गए निर्णय, इससे संवैधानिक संकट उत्तराखंड में आया है और उसके ऊपर हाईकोर्ट में विवेचना हो रही है। पर इन सब कृत्यों के कारण, चाहे मुख्यमंत्री जी की भूमिका हो हॉर्स ट्रेडिंग की, चाहे विधानसभा अध्यक्ष महोदय का जल्दबाजी में लिया गया निर्णय जो अल्पमत को बहुमत में परिवर्तित करने की उनकी कोशिश, उसके कारण उत्तराखंड की छवि सारे देश में खराब हुई है। और मैं समझता हूँ इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी भी है और विधानसभा अध्यक्ष भी है। जी, जिस तरीके से इस्टे आया है इस पर, तो बीजेपी को बड़ी राहत है क्योंकि अब कल जो फ्लोर पर टेस्ट होना था वो टल गया है। देखिए, हमें कोई राहत नहीं, हमारे पास तो आज भी 36 है, कल भी 36 थे और कल भी 36 रहेंगे। 36 तो हमारे पास तो अभी मौजूद है, बल्कि और उधर से भी कुछ विधायक हमारे साथ आ सकते हैं जिसकी संभावना है। तो हम तो बहुमत में पहले दिन भी थे और आज भी बहुमत में, इसलिए हमें कोई संकट नहीं टाला। हम तो चाहते हैं कि अभी फ्लोर पर, अभी कहीं पर भी कोई भी, चाहे राष्ट्रपति चाहे बुला ले, राज्यपाल बुला ले, हाईकोर्ट बुला ले, हम 36 लोगों को ले जाकर खड़ा कर देंगे। तो हमारे पास तो बहुमत है, हमें इस बात की चिंता नहीं। संकट अगर टला होगा तो कांग्रेस का टला होगा, हमारे लिए संकट नहीं टला। हम तो चाहते हैं कि हर फ्लोर पर हम बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार। लेकिन सर, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत तैयार बैठे थे कि भाई अब कल जब फ्लोर टेस्ट होगा तो अब तमाम तरीके का उन्होंने अपना तैयार एमएलए से बात करी थी, अंबिका सोनी खुद यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन अब कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो उनको, उनके लिए झटके की बात मानी जाएगी? निश्चित रूप से, अंबिका सोनी में कोई विधायक तो है नहीं, विधायक तो नहीं, हमारे पास 36 विधायक है। अब वो 34 से 35 तो कर नहीं सकते, जो भी परिस्थिति है उसमें हम तो चाहते हैं कि फ्लोर पर कहीं पर भी बहुमत सिद्ध कांग्रेस कर ले और हम भी कर ले। सर, आपको क्या लगता है कि जो 9 बागी विधायक हैं उनकी भूमिका कैसे तय होगी, क्या जब वो वोट करेंगे तो वो किस स्टेटस में रखे जाएंगे? देखिए, इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर अप्रसन्नता व्यक्त की है हाईकोर्ट ने, और इसलिए अब उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा क्योंकि हाईकोर्ट का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। जी, तो कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ थे। वहीं कांग्रेस के बागी विधायक विजय बहुगुड़ा ने कहा है कि दोनों फैसले हमारे पक्ष में हुए हैं, सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने हमारे पक्ष में ही फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि 18 तारीख को हरीश रावत फ्लोर पर हार गए थे, अदालत में भी उन्हें जीत नहीं मिलेगी। एक और बागी विधायक सुबोध उनियाल ने भी अदालत के फैसले को अपने पक्ष में बताया है। दोनों ही निर्णय अगर आप देखें तो पहला निर्णय हमारे पक्ष में था कि हम वोट दे सकते थे, और ये निर्णय हमारे पक्ष में है कि राष्ट्रपति शासन को रोक नहीं लगाई गई कि अगर 9 विधायक वोट डालते हैं तो ये अल्पमत में है, और ये इनकी जो बेचैनी है वो 18 तारीख से वही है क्योंकि 18 तारीख को हार गए थे, 18 तारीख को हरीश रावत जी फ्लोर पर हार गए थे। हम 9 और 27, बीजेपी 36 का आंकड़ा था 35 का। अब उस हार का जो है वो बाद उनको खुद ही स्वयं त्यागपत्र देना चाहिए था, त्यागपत्र नहीं दिया, राष्ट्रपति शासन लगा है और अब न्यायालय में लड़ रहे हैं, वहां भी उनको जीत नहीं मिलेगी। स्वागत करते हैं इस बात का। देखिए, ये फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाकर माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया प्राइमा फेसिया, उसको उत्तर मोहर लगाई है, क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद विधानसभा निलंबित हो जाती है तो आखिर विधानसभा में नेता सदन कौन होगा, कौन कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा? निलंबित विधानसभा में नेता सदन होगा नहीं, और विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पे सदन, विभिन्न दलों के जो सदन के नेता सदन और नेता विपक्ष, अब जब सदन ही निलंबित है तो कौन नेता सदन, कौन नेता विपक्ष? और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुराग, जिस तरीके से दोनों ही पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया देखने को मिली है उससे तो ये लग रहा है कि सभी स्वागत कर रहे हैं, और जाहिर तौर से कह सक क्या ये कहा जाए कि अब दोनों ही पार्टी के पास अब मौका मिल गया है।
देखिए दीपाली, न्यायालय के फैसले पर अब फिलहाल कोई भी दल आपत्ति नहीं जता रहा है। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को राहत इसलिए है क्योंकि हरीश रावत कंपनी ने पूरी तरह से यह तैयारी कर ली थी कि जो उनके पक्ष के विधायक हैं वो उनके साथ हैं और वो उनके पक्ष में ही वोट करेंगे। जो हरीश रावत का कॉन्फिडेंस था वो देखते ही बन रहा था और जो भी यहाँ पर खुफिया इनपुट था वो बीजेपी के पास लगातार पहुंच रहा था। हम भी लगातार कैलाश विजयवर्गीय और जो श्याम जाजू हैं बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी, उनके लगातार संपर्क में थे और जिस तरीके से मीटिंग्स का माहौल चल रहा था, बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी, तो काफी परेशान वो लोग लग रहे थे। जो नैनीताल हाईकोर्ट है उसके फैसले पर वो लगातार टकटकी लगाए हुए देख रहे थे और जैसे ही फैसला आया एकदम खुशी के मारे वो उछल पड़े। ऐसा लगा कि फैसला बिल्कुल उनके पक्ष में आ गया। तो ये बेचैनी कहीं ना कहीं दिखाता है बीजेपी नेताओं की कि परेशान वो भी थे किसी ना किसी बात को लेकर। परेशानी क्या है ये कोई खुलकर नहीं बता रहा। वहीं हरीश रावत की अगर हम बात करें तो हरीश रावत का ये कहना था कि जो बाकी विधायक है उनमें से दो तीन लोगों से हमारी बात हो गई है और हमारे पक्ष में वो वोट करेंगे। इसके अलावा जब उनसे मैंने ये पूछा, हरीश रावत से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो नौ बागी विधायक हैं वो वोट जरूर डालेंगे लेकिन उनका स्टेटस क्या होगा ये अभी तय नहीं है। और जब 1 अप्रैल को कोर्ट उनके मामले पर फैसला करती तो कहीं ना कहीं उनको अयोग्य घोषित किया जाता, तो इसीलिए वो अपना जो बहुमत का आंकड़ा है अपने हिसाब से सेट करके बैठे थे। बीजेपी दूसरे लिहाज से खुश थी। बीजेपी का ये मानना था कि 9 विधायक जब वोट करेंगे तो जो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा कि वो अयोग्य नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने अपनी कैलकुलेशन को लेकर दीपाली यहाँ पर खुश नजर आ रहा है। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि पहले पॉलिटिकल यहाँ पर क्राइसिस थी लेकिन अब जो कानूनी दांव पेचों की लड़ाई है वो अब देखने लायक होगी। अब बीजेपी की तरफ से बड़े वकील आएंगे, कांग्रेस की तरफ से बड़े वकील आएंगे, चाहे कपिल सिब्बल हो या बात हो अभिषेक मनु सिंघवी की, तो सभी कानूनी पढ़ाई में बिल्कुल महारत हासिल है उन लोगों को। और अब जो उत्तराखंड की जो लड़ाई है कानून दापेचों में फंस गई है, इसमें ऐसी चीजें देखने आएंगी जो बिल्कुल रियरेस्ट ऑफ द रियरेस्ट होंगे। दीपाली जी, देहरादून में सियासत के केंद्र में रहे शक्तिमान घोड़े की हालत में सुधार हो रहा है। शक्तिमान इसी महीने 14 तारीख को देहरादून में हुए बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान घायल हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इन्फेक्शन के डर से उसके पैर को काट दिया था। फिलहाल शक्तिमान घोड़े की हालत ठीक बताई जा रही है। शक्तिमान की हालत अच्छी है और शक्तिमान जो है अच्छा खा पी रहा है और अपने जो उसके नॉर्मल प्रोसेस हैं, यानी वो डेफिकेशन कर रहा है, पानी पी रहा है। शुरू शुरू में हम लोग इसको क्रेन मशीन से खड़ा करते थे और अब ये चूंकि एक पैर इसका नहीं है, इसको ये खड़ा होने का प्रयास करता है और अपने आप भी खड़ा हो जाता है। बात करते हैं कुछ और खबरों की। बेल्जियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैनीताल के देवस्थल में लगाई गई सबसे बड़ी दूरबीन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए दूरबीन को एक्टिवेट किया। दरअसल नैनीताल के देवस्थल में 3.6 मीटर की दूरबीन को बेल्जियम के सहयोग से स्थापित किया गया है। हालांकि इस कार्य में जर्मनी और रूस की भी मदद ली गई है। इस दूरबीन की स्थापना का कार्य आर्यभट्ट प्रक्षेप विज्ञान शोध संस्थान यानी कि एरीज ने 1980 में शुरू किया था, जिसे 2450 मीटर की ऊंचाई पर देवस्थल में लगाया गया। केंद्र सरकार ने 2007 में इसके लिए 120 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। एरीज समेत देश भर के 25 वैज्ञानिकों और 13 इंजीनियर्स के पूरे पैनल ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की है। 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के लेंस जर्मनी में बनाए गए हैं, रूस में लेंस को पॉलिश किया गया है और भारत पे लेंस की कटिंग की गई है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित देवस्थल इस प्रकार के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए एक यूनिक स्थान है, जिसे वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ी खोजबीन के बाद सिलेक्ट किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा भारत और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को अपने काम में सफलता और सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ यह पूरी मानवता के ज्ञानवर्धन में भी उपयोगी साबित होगा।
राजस्थान के कोटा में एक स्कूल में भीषण आग लग गई। आग की वजह से सैकड़ों बच्चों की जान आफत में आ गई। बताया जा रहा है कि आग स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से लगी थी। स्कूल के अंदर स्कूल वैन में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग की जा रही थी। इसी दौरान गैस लीक होने से चारों तरफ आग फैल गई। स्कूल में खड़ी वैन धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते दो और गाड़ी आग की चपेट में आ गई। मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अग्निशमन विभाग स्कूल प्रशासन की लापरवाही मानते हुए केस दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो फिलहाल इतना ही।